सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक हमारा है कारकम। आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा कारकम यानी कारक। सबसे पहले आती है कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा, कारकस्य परिभाषा यानी कारक की परिभाषा। क्रिया जनकम कारकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम, यानी क्रिया के जनक को कारक कहते हैं अथवा जो क्रियाम करोति यानी क्रिया को करता है इति कारकम, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात यह क्रियाम संपाद्यति, जो क्रिया संपूर्ण करता है, क्रिया को करता है, अथवा यस्य क्रियाया सह, जिसका क्रिया के साथ में साक्षात परंपरा से वह संबंधो अथवा संबंध भवती होता है, सह कारकम इति कथ्यते, उसे कारक कहते हैं। ये देखो हिंदी में कारक की परिभाषा दे रखी है, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं अथवा जो क्रिया करता है। क्रिया के जनक किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है, जो कार्य को करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात जो क्रिया को करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात परंपरा से क्या होता है? संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। अब देखो क्रिया के साथ साक्षात संबंध किस प्रकार से होता है, एक वाक्य के माध्यम से हम जानते हैं। और इस वाक्य में हम प्रश्न बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे, कारक और विभक्ति ये सब इसमें आ जाएगा। यथा जैसे ये वाक्य है, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र, यानी हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र यानी नरदेव का पुत्र जयदेव, शो हस्तेन यानी अपने हाथ से, कोसात खजाने से, निर्धने भी यानी गरीबों के लिए, ग्रामे भी यानी गांव में, धनम यानी धन और ददाति यानी देता है। हे मनुष्य नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से, खजाने से, गरीबों के लिए गांव में धन देता है। अब सबसे पहले प्रश्न बनता है, ये प्रश्न है, देखो सारे प्रश्न बन रहे हैं, कै ददाति, कौन देता है, कौन दे रहा है यहाँ पर? नरदेवस्य पुत्र यानी नरदेव का पुत्र। तो उत्तरम नरदेव का पुत्र कौन है? जयदेव। ठीक है, नरदेवस्य पुत्र जयदेव यानी नरदेव का पुत्र जयदेव, शुभ हस्तेन अपने हाथ से। ठीक है, तो कौन दे रहा है? कै ददाति यानी कौन देता है, कै प्रश्न निर्माण प्रथमा विभक्ति एकवचन है। ठीक है, तो कौन दे रहा है? जयदेव। तो उत्तरम में आ जाएगा जयदेव कारक हो जाएगा। कौन सा? जयदेव में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। और कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। ठीक है बेटा, इसके बाद है दूसरा, किम ददाति, क्या है दूसरा प्रश्न? किम ददाति यानी कि क्या देता है, किम ददाति क्या देता है? तो क्या देता है? धनम, धन देता है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? धनम, धनम। ठीक है, और कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीया। ठीक है, क्या देता है? किम ददाति क्या देता है? धनम यानी धन देता है, कारक कर्म कारक, और विभक्ति द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है केन ददाति, केन ददाति यानी किससे देता है, केन ददाति यानी किससे देता है? तो इसमें आ जाएगा, देखो नरदेवस्य पुत्र जयदेव शव हस्तेन, अपने हाथ से दे रहा है ना धन, तो इसमें आ जाएगा केन ददाति यानी किससे देता है? शव हस्तेन अपने हाथ से। ठीक है, तो शव हस्तेन इसमें कारक कौन सा हो गया है? करण कारक हो गया। और विभक्ति कौन सी हो गई है? तृतीया विभक्ति हो गई है। कौन सी विभक्ति हो गई है? तृतीया विभक्ति हो गई है। उसके बाद है केभ्य ददाति, केभ्य यानी किसके लिए, और ददाति यानी देता है, किसके लिए देता है? तो इस वाक्य में देखो कोशकात निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य यानी कि गरीबों के लिए, किसके लिए? गरीबों के लिए। तो केभ्य ददाति इसमें आ जाएगा निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य यानी गरीबों के लिए। और कारक हो जाएगा कौन सा? संप्रदान। ठीक है, और विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी,
निर्धन में कौन सी व्यक्ति लगी है, हुई है चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, या प्रश्न निर्माण में भी कौन सी है चतुर्थी व्यक्ति, यानी गरीबों के लिए धन देता है। कस्मात ददाति, कस्मात यानी कहाँ से, ददाति यानी देता है, जो यानी कि जो गरीबों को धन दे रहा है कौन, जयदेव अपने हाथ से गरीबों को जो धन दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, तो इसमें देखो कोसात यानी खजाने से दे रहा है, तो कस्मात ददाति तो इसमें आ जाएगा कोशात, कोशात यानी खजाने से देता है, ठीक है। और कारक हो जाएगा इसमें अपादा, अपादान, ठीक है। और विभक्ति हो जाएगी इसमें पंचमी, विभक्ति कौन सी हो जाएगी पंचमी। इसके बाद है छठा प्रश्न, कुत्र ददाति कहाँ पर देता है, कहाँ पर देता है, ठीक है, कहाँ पर देता, तो इसमें आ जाएगा कहाँ पर देता है, ग्रामे यानी गांव में, सप्तमी विभक्ति है इसमें। और कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक, तो इसमें आ जाएगा ग्रामे, कारक हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण, और विभक्ति हो जाएगी सप्तमी, ठीक है। कर्ता, कर्ता कर्म करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि ये हमारे क्या हो गए, छह कारक भी हो गए, छह विभक्तियाँ भी हो गई हैं, और ये प्रश्न के माध्यम से यानी संबंध किस प्रकार से हो रहा है, देखो कह ददाति कौन देता है, जयदेव देता है, ठीक है। किम ददाति क्या देता है, धन देता है। केन ददाति किससे देता है, स्वहस्तेन अपने हाथ से देता है। के भी ददाति किसके लिए देता है, निर्धनेभ्य यानी गरीबों के लिए देता है। कस्मात ददाति कहाँ से देता है, कोसात यानी खजाने से देता है। और कुत्र ददाति कहाँ पर देता है, ग्रामे यानी गाँव में देता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है यानी कि कारकाणाम संख्या, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारकस्य भेदे, कारकस्य भेदा, शूत्र माध्यमेन, कारकस्य षट् भेदः सन्ति, यानी सूत्र के माध्यम से कारक के कितने भेद हैं, छह भेद हैं। सूत्र देखो, कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम, अपादानाधिकरणम कारकाणि मित्याहु, करणम मित्याहु, मित्याहु कारकाणि षट्, ठीक है। यानी कि इस सूत्र के माध्यम से या श्लोक के श्लोक के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, सॉरी सूत्र नहीं बेटा, श्लोक माध्यम यानी श्लोक के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से कारकस्य षट् भेदा सन्ति, यानी कारक के कितने भेद हैं, छह भेद हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम मित्याहु कारकाणि षट्, यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान तथा अपादान
अधिकरण है इत्यादि कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे कर्ता कारक से हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।